Let's start with the exercise 2.2, question number 1. The question number 1 says, from the following information obtained from a sample of 7 families of a society regarding height of father in centimeters and height of his adult son in centimeters, calculate the correlation coefficient. हमें क्या calculate करना है? Correlation coefficient. Right? Table दिया हुआ, height of father, हम लोग x लेंगे value और height of son का value जो है y में ले लेंगे. तो लेट अस मेक द टेबल. सो नाउ ये देखिए, हमने एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, उसका समेशन कर दिया, वाई का हमने समेशन कर दिया है, राइट. अब जो है अभी हमको एक्स माइनस एक्स बार वो फाइंड आउट करना है, वाई माइनस वाई बार. एक्स बार भी ऊपर हमने फाइंड कर दिया है 1169/7, दैट इज आपको 167 और ये मिलेगा, राइट. अब एक्स माइनस एक्स बार आप एक एक करके फाइंड कीजिए, राइट. 170 माइनस 167 क्या आएगा? 3, 169, दैट इज 2, फिर इसके बाद 168, 10, माइनस 1, माइनस 2 और ये माइनस 3. अगर आप देखेंगे ना तो 3 का माइनस 3, 2 का माइनस 2, 1 का माइनस 1 होगा, तो इसका मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार विल बी 0, राइट. अब वैसे ही अगर वाई माइनस वाई का देखिए, 0, राइट, इज इक्वल टू 0. अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं. 3 4 जा 12, 2 0 का 0, 1 2 जा 2, 0 का 0, माइनस 1 इंटू माइनस, दैट इज 3, क्यू प्लस हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस 6, राइट. अगर हम इसे प्लस करते हैं तो कितना आएगा? दैट इज 12, 14, 17, 19 एंड 20 और 25, राइट, दैट इज 25, ये ओके. अब वापस x माइनस x बार का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 1, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 4, और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, राइट. तो 9 और 13, राइट, दैट इज 28, ओके, राइट. अब जो वापस ये करना है y माइनस y बार का होल स्क्वायर, दैट इज वापस 4 का 16, फिर तो सिग्मा इज इक्वल टू, राइट, ये अगर करते हैं सिग्मा तो क्या आ जाएगा? 16, 20, 29, 30 और ये 34, राइट, दैट इज ये 34, दैट इज इसका सम, ओके. अब हमको क्या करना है? इसको हमको फॉर्मूला में अप्लाई करना है बस. अब ये फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करते हैं देखिए, राइट. ये पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सो दैट आपको सम करने में इजी रहेगा. सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, राइट. अब हमको ये इसका फाइंड करना है, दैट इज ये 25 और y माइनस वाई बार, ये क्या आएगा हमको? x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 25 अपॉन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमने जो फाइंड किया था उसका स्क्वायर रूट, राइट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 28 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 34, ओके. तो इसका हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 25 अपॉन 30.8544 दिया है ना, तो 8549 है, बराबर. तो क्या हो जाएगा? 8545 लिख दीजिए, राइट. तो दिस विल गिव, इसका आंसर मिलेगा हमको 0.8103, राइट, एंड दैट इज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.8 हम लोग को, राइट, इसका वन जो है वो कंसीडर करना नहीं है. तो कोरिलेशन coefficient
बिटवीन एक्स एंड वाई लिखते हैं, उसकी जगह पे यहाँ पे जैसा दिया है हाइट ऑफ फादर एंड सन इज 0.8. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट सब. सो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. अ लोकल कॉटेज इंडस्ट्री मेकिंग वेरियस स्नैक्स सेल्स ईच स्नैक इन अ पैकेट ऑफ 100 ग्राम्स फ्रॉम अ स्टडी फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग अ न्यू काइंड ऑफ वेफर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द प्राइस एंड द डिमांड. देखिए दो दिया है यहाँ पे वेरिएबल, प्राइस का दैट इज एक्स लेंगे और डिमांड वो वाई में लेंगे, राइट. सो प्राइस और वे इसका टेबल दिया हुआ है और देखिए 24, 26, 30 इस तरह के टेबल्स दिए हुए हैं. तो हम लोग वापस वैसे ही क्वेश्चन नंबर वन जैसा है इसका टेबल बनाते हैं, राइट. नाउ लेट्स डू. अब अगर टेबल में अगर हम देखें तो पहले एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार, सबसे पहले आपको एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा. एक्स बार देखिए इंटीजर में आ रहा है तो हमको ये जो सिंपल फॉर्मूला है वही यूज करना है, राइट. वाई बार फाइंड आउट कर दीजिए, सो दैट एक्स और वाई ले लीजिए पहले, राइट. 24, 26, 32, 33, 35 और 30. और इसका जो है सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा 180, राइट. अब ये सिग्मा एक्स रख के हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स बार. ओके, नाउ नेक्स्ट 27, 24, 22, 20, 24, 22, 20, फिर इसके बाद आएगा 15 और 24, राइट. इसका अगर हम देखें सिग्मा वाई ये आएगा 132, राइट. और इसको रख के हमको क्या फाइंड कर देना है, वाई बार, राइट. अब ये एक्स बार और वाई बार फाइंड करने के बाद आप फॉर्मूला में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार लगा सकते हैं, राइट. अब अगर हम ये देखें एक्स माइनस एक्स बार अगर देखें 24 माइनस 30 क्या आएगा, छोटा नंबर है तो माइनस 6, 26 माइनस 30 मतलब माइनस 4, फिर 32 ये हो जाएगा प्लस 2, प्लस 3, फिर उसके बाद प्लस 5 और ये हो गया 30 का 0 का 0, राइट. अब x माइनस एक्स बार क्या आएगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार दैट इज देखिए 6, 4, 10 और यहाँ पे अगर हम देखें टोटल 10, 10, 10 क्या हो जाता है 0, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, राइट. अब वैसे ही हम लोग y बार फाइंड करेंगे, y माइनस y बार देखिए 27 माइनस 22, राइट, बड़ा नंबर है तो प्लस 5 आएगा, 24 माइनस 22 प्लस 2 आएगा, 0 आएगा, अब ये माइनस 2 आएगा, फिर उसके बाद 15 और 22 तो क्या हो जाएगा माइनस 7 आ जाएगा, और 26, 24, 24 माइनस 22 हो जाएगा प्लस 2, राइट. तो देखिए वापस सिग्मा वाई माइनस वाई बार इक्वल टू 0, राइट, और ये हो गया, राइट. अब वापस एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार माइनस 6 और 5 दैट इज माइनस 30, माइनस 8, 0, माइनस 6, माइनस 35 और ये 0, दैट यू विल गेट, इसका प्लस क्या आएगा 30 और 8 माइनस 79. ओके सर, अब उसके बाद हम करेंगे एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर. देखिए माइनस का कोई भी स्क्वायर होगा प्लस ही हो जाएगा, 36, 16, 4, 9, 49, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आएगा 90, 86, राइट. अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है. That is
का आएगा x माइनस एक्स बार का आएगा माइनस 79 अपॉन इसका है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट 90 और स्क्वायर रूट 86 राइट। चलो इसका कैलकुलेट कर देते हैं, माइनस 79 स्क्वायर रूट ऑफ 7740 और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल के 7740 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 87.9772। क्योंकि 0.8979 ओके। अब क्या करेंगे हम लोग 897 है मतलब 0.90 दैट इज आवर आर राइट। अब इसका हमको कंक्लूजन लिख देने का, हेंस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्राइस ऑफ वेफर एंड डिमांड इज हेंस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्राइस और ऑफ वेफर एंड डिमांड इज क्या आएगा माइनस 0. ओके अंडरस्टूड। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। So let's continue with question number 3. From the following information of a sample of 6 students of a school regarding their marks in 2 subjects, that is accountancy and statistics, right? Find the coefficient of correlation between the marks of 2 subjects. Accountancy or statistics, dono diye hai. Ek ko x le lete aur ek ko y, right? So let's make the table. Now, sabse pehle x and y likh lete hai, so that humko x bar aur y bar find karne mile, right? To dekhiye. एक्स बार आप एक्स बार नीचे फाइंड कीजिएगा, मैंने ऊपर इसलिए किया है कि मेरे पास जगह नहीं है। सिग्मा एक्स अपॉन एन 640 अपॉन 10 ये मिलेगा 64 तो यहां भी आ जाएगा 64 फिर उसके बाद 610 बराबर वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन दैट इज 610 अपॉन 10 दैट इज 61 तो लिख दीजिए यहां पे 61। अब आपको टेबल जो है वो कैलकुलेशन ही करना है राइट। हाथ में कैलकुलेटर ले लीजिए और फटाफट करने लगे। x माइनस एक्स बार 60 माइनस 64 क्या आ जाएगा सर माइनस 4 80 माइनस 64 16 फिर उसके बाद 50 तो माइनस 14 क्योंकि छोटा नंबर है राइट। फिर 80 वापस आया तो देखो 16 आया प्लस बराबर फिर 95 और इसी तरह आपको कंप्लीट करना है बराबर। ओके सो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार अगर फाइंड करने के बाद जो सिग्मा उसका जीरो आता है उसके बाद हम लोग करेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन राइट। माइनस 4 इंटू माइनस 4 11 तो क्या आ जाएगा प्लस 44 14 और प्लस 14 84 बराबर। फिर उसके बाद 31 इंटू 29 तो टैली कर लीजिए दैट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 3535 राइट। आप देखते हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर तो आपको पता है दैट इज 16 16 का कितना है 256 14 का ओके। अब हमको ये टेबल बनाने के बाद आपको इसका फॉर्मूला स्टार्ट करना है राइट। फॉर्मा वही है आर इज इक्वल राइट। अब चलो वैल्यू रख देती है एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार क्या आया था और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.9031 जो थ्री जो है थर्ड डिजिट जो है
5 से 27 ले 0.90 वी विल टेक राइट, और ये आपका आंसर रहेगा। तो आपको खाली यही लिखना है, हेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टैट्स इज 0.90। ओके चलो, आई होप यू हैव फिनिश्ड। ओके नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट।